Hello students, this is Apurva from AMB International School and today we will discuss on the topic of chapter number 1 in SST of class 5th. The topic is the globe and the imaginary lines. Okay, this is our first chapter of SST. So as you can see this will be your book in SST, okay, and this is our first chapter. And from the concept mapping, okay, we will start from first topic, studying the earth. Okay, so studying the earth, understanding the earth, we will discuss shape of the earth and continents and oceans. Okay, so for a long time people believed that the earth was flat in shape. Matlab जो पहले जो लोग थे वो क्या सोचते थे कि जो अर्थ है वो क्या है, फ्लैट है. ठीक है, द फियर दैट दे ट्रेवल्ड रियली फार इन वन डायरेक्शन. उनका जो डर था वो क्या था कि जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. ओके, देन दे वुड फॉल ओवर इट्स एजेस. और वो क्या सोचते थे कि हम लोग जो है गिर जाएंगे कभी ना कभी जब उसकी एज आएगी, मतलब जो उसका किनारे जो होती है, जैसे टेबल होती है हमारी तो वहाँ पे रहते हैं ना एजेस, जो किनारी रहती है. तो वो लोग ये सोचते थे कि जब इस चीज़ जो अर्थ है उसकी जब एजेस आएंगी तब हम लोग गिर जाएंगे. ठीक है, नाउ वी नो दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. अब हमें पता लग चुका है कि अर्थ फ्लैट नहीं है. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस शो द अर्थ शेप्ड लाइक अ स्फीयर. जैसे कि पिक्चर्स ली गई है स्पेस से, ठीक है, तो उससे क्या पता लग रहा है कि अर्थ जो है फ्लैट नहीं है बल्कि स्फीयर है. बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ इवन फ्रॉम अर्थ. अब क्योंकि जो अर्थ स्फीयर है तो हम एक बार में पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. ठीक है, पिक्चर टेकन फ्रॉम स्पेस शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम. अब जो अर्थ है जो पिक्चर ली गई है स्पेस से वो एक बार में जो है उसका एक ही फेज बताएगी, पूरा एंटायर जो है उसका पिक्चर नहीं बता सकती. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस. इफ़ यू टेक अ क्लोजर लुक एट अ पिक्चर ऑफ द अर्थ. अगर आप यहाँ पर देखिए बुक में जो पिक्चर दी गई है, ठीक है, इसमें अगर आप देखो अर्थ का पिक्चर, यू विल ऑब्जर्व लार्ज लैंड मासेस सराउंडेड बाय वाटर. जो लैंड मासेज है, मासेज मतलब कि एरिया, ठीक है, जो है लैंड का उसके चारों तरफ क्या है, वाटर. तो दीज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो ये लैंड मासेज है उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स. ओके, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन आर प्लैनेट. यहाँ पे कितने हैं प्लैनेट, यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स. ओके, हमारे प्लैनेट पे दे आर कौन कौन से है, फर्स्ट एशिया, यहाँ पे आपको ब्लू में दिख रहा होगा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, अब एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, आप लोग मार्क कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वेल ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ओके, नेक्स्ट, अब हमारा ये नेक्स्ट पेज आप टर्न करिए, पेज नंबर 6 पर आ जाइए. द ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इंटू कंट्रीज. हर कंटिनेंट जो है वो कंट्रीज़ में डिवाइडेड है. आर कंट्री इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जो हमारी कंट्री है इंडिया वो 7th लार्जेस्ट, मतलब 7th नंबर पे आती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. और वो कहाँ पर लोकेटेड है, एशिया में. ओके, द लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कंटिनेंट्स आर कॉल्ड ओशियंस. जैसा कि मैं बता था ना, अभी बोला था कि जो लैंड मासेज है उसके जो सराउंडिंग जो वाटर है, वाटर बॉडीज़ है, उस लैंड मासेज को क्या कहेंगे, कंटिनेंट्स. और जो वो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें क्या कहेंगे, ओशियंस. ओके, देयर आर 5 मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड. यहाँ पे 5 मेजर ओशियंस हैं, कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियंस, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. इसमें जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जैसे कि पैसिफिक है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, और ये हमारा हो गया एटलांटिक, एटलांटिक ओशियन,
इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, और आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे लर्न करने का एक बहुत इजी है कि तरीका, जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो अगर हम लोग देखें तो वो एक तरीके से क्या बन रहा है, पैसा। ठीक है, बस इस वर्ड को आप लर्न कर लीजिए, और पी फॉर पैसिफिक, ए फॉर अटलांटिक, आई फॉर इंडियन, एस फॉर सदर्न और ए फॉर आर्कटिक। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड ओशियंस द अर्थ हैज़ मैनी स्मॉल वाटर बॉडीज सच एज सीज, गल्फ्स, रिवर्स, बेस एट्सेट्रा। अब जो ओशन के बाद जो है देखा जाए अर्थ पे छोटी छोटी वाटर बॉडीज है। ठीक है, जैसे कि सीज है, गल्फ्स है, रिवर्स, बेस, मतलब ये कुछ जो रहता है, मतलब ये ओशियन जैसी बड़ी तो नहीं है, बट हाँ उनका एक स्मॉलर पार्ट ज़रूर है। ठीक है, अर्थ ऑल्सो हैज़ अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स की वेराइटी भी है अर्थ में। ठीक है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। ओके, इन ऑर्डर टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन द अर्थ वी टेक हेल्प ऑफ ग्लोब्स एंड मैप्स। अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन करें अगर हम कंटिनेंट्स और ओशंस को लेकर, तो हम लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं, ग्लोब या फिर मैप्स की। ठीक है, और जो मैप चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोब। ठीक है, अब वो जो ये हमारा टॉपिक है इसमें यस, तो हमारा नेक्स्ट है ग्लोब। ठीक है, उसके जो हमारे टॉपिक है, सब टॉपिक्स, वो है व्हाट इज़ अ ग्लोब और प्रॉब्लम विद यूजिंग ग्लोब्स। ओके, तो ग्लोब, अ ग्लोब इज़ अ थ्री डायमेंशनल मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो क्या, थ्री डायमेंशनल, मतलब उसको हम एक अर्थ के जैसे एक छोटा सा, वो अर्थ का फॉर्म ही है, 3D में जैसे हम देख सकते हैं। इट शोज बोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये हमें बताता है कि है ना कहाँ पे वाटर है, वाटर बॉडीज किधर लोकेट है और लैंड मासेस किधर है। ओके, देन अ ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल और एक्यूरेट वे। और जो ग्लोब है वो हमें एक सिंपल वे में और एक्यूरेट वे में जो है बता देता है कि लोकेशन कहाँ पर है और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। लाइक द अर्थ वी कैन सी ओनली वन हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम। अगर हम देखें अर्थ के जैसे ही जो ग्लोब में एक बार में वन फेज ही हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नेक्स्ट फेज करना है तो हमें उसे रोटेट करना होगा। नेक्स्ट, ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब कोई फिक्स्ड नहीं है, हम उसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, या टर्न कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो अर्थ के जैसे ही अपनी जो एक्सिस है उस पर स्पिन कर सकता है। ओके, मतलब रोटेट कर सकता है। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज़ टू पॉइंट्स। अब जो एक्सिस है ग्लोब के, उनके टू पॉइंट्स है जिसको हम क्या कहते हैं, पोल्स। एक जो टॉप पर रहता है उसे नॉर्थ पोल, और जो बॉटम है उसे साउथ पोल। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे अगर ये हमारा ये ग्लोब है तो ये होगा हमारा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। ओके, नेक्स्ट, प्रॉब्लम विद यूजिंग ग्लोब्स। अब हम अगर ग्लोब हमारे साथ रखते हैं या फिर हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऑल द ग्लोब्स विद अस द एक्यूरेट लोकेशन एंड शेप ऑफ द कंटिनेंट्स, ओशियन एट्सेट्रा, दे हैव सर्टेन लिमिटेशंस। हमें ये तो पता है कि वो एक्यूरेट लोकेशन बता सकता है शेप्स या शेप्स कंटिनेंट्स की और ओशियंस की। ठीक है, बट क्या लिमिटेशंस है उसमें, क्या डिसएडवांटेज है। They don't allow us to see the entire earth at a single glance. हम एक बार में पूरी अर्थ नहीं देख सकते उसमें। They don't show places and landforms in great detail. और जो places है उसमें, ठीक है, वो एक details में हमको नहीं मिल सकती। They are difficult to carry around. और हमें से कहीं carry भी नहीं कर सकते। ठीक है, next है हमारा
ओके नेक्स्ट टॉपिक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इसमें हमारा जो सब टॉपिक से क्या है, फीचर्स ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. फर्स्ट, ऑन लुकिंग एट द ग्लोब केयरफुली, अब आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे जो हमारा ये है पिक्चर, ठीक है, इसमें जो लाइंस अक्रॉस कर रही है, ठीक है, मतलब सर्कुलर लाइंस रहती है रनिंग अक्रॉस इट, दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स. ओके, लाइक जैसे हम लोग देखते हैं ग्लोब में जो लैटिट्यूड लाइंस रहती हैं, ठीक है, तो वो पैरेलल्स में ही हम उसको बोलेंगे, ठीक है. लाइक दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ये हम इसको क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस भी बोल सकते हैं, जो कि दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है. द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाल्स इज कॉल्ड इक्वेटर. अब जो लैटिट्यूड है तो वो क्या करता है, इक्वेटर को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल, और जो इक्वेटर जो रहता है, ठीक है, जो सबसे मिड में जो रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जो रेड लाइन ड्रॉ हो रही है ये इक्वेटर है और ये लॉन्गेस्ट पैरेलल है, ठीक है. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ of the equator is called northern hemisphere. और जो ये टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट अपसाइड जो है वो northern hemisphere है और जो बॉटम है वो southern hemisphere. ओके, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. अब द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर कंप्लीट सर्कल, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है वो कंप्लीट सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है, एक्सेप्ट नॉर्थ और साउथ पोल को छोड़ के, ठीक है, मतलब ये ईस्ट और वेस्ट वाली जो डायरेक्शन रहती है उसमें ही ये सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल. द लेंथ ऑफ द पैरेलल डिक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स. अगर जब आप लोग अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर हम लोग ने एक सर्कल आप लोग ड्रॉ करो और उसमें जो एक मिड एक सबसे मिडल में आप एक जो इसमें लाइन्स दे रखी है ना, जैसे इक्वेटर है ये फॉर्म हो रहा है, वैसे ही करो, ठीक है, तो वो हमारा हो गया एक मिडल वाला लाइन हो गया, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं. अब जैसे जैसे करके हम नीचे की साइड आएंगे तो वैसे ही जो है ये जो लाइंस है पैरेलल लाइंस ये डिक्रीज होती जाएगी. ओके, जैसे हम साउथ पोल की साइड आ रहे हैं या फिर वी आर गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, पैरेलल्स आर लोकेटेड एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. जो पैरेलल्स है, पैरेलल्स आपको पता ही से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, वो हमेशा इक्वल ही रहते हैं डिस्टेंस में. नेक्स्ट, दे डोंट टच और कट वन अनादर. ओके, इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 degree लैटिट्यूड. जो यहाँ पे इक्वेटर जो सर्कल फॉर्म हुआ है वो उसे हम क्या मार्क करेंगे, 0 degree लैटिट्यूड, जो आप पेज नंबर 8 पर आपको पिक्चर में देख रहा होगा, जहाँ पर इक्वेटर है वो 0 degree लैटिट्यूड पर है, ठीक है. लैटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एज मार्क्ड, और जो नॉर्थ साइड में है उसे हम क्या मार्क करेंगे, एन, और जो साउथ में है वो एस, ठीक है. नेक्स्ट, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर मार्क्ड एस, और जो पोल में जो डिग्री हम लोग मार्क करेंगे वो कैसे करेंगे, 90 degree एन और 90 degree एस, ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, ये जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है आपको यहाँ पर भी गिवन है पिक्चर में भी, और आप यहाँ पर भी देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.12 degree एन, मतलब नॉर्थ, ठीक है, 23.5 degree नॉर्थ, ठीक है. ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एज इट इज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये आपको लर्न करना है. ओके, नेक्स्ट, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. ओके, नेक्स्ट, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने अभी देखा ही था कि क्या होता है, जो मेरिडियंस है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो ग्लोब रहता है उसमें जो लाइंस रन करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और सॉरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी लाइंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है. अब फीचर्स देख लीजिए, फीचर्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में क्या है, द मेरिडियंस आर
ऑल ऑफ सेम लेंथ, सबकी लेंथ सेम रहती है, जैसे कि पैरेलल्स में थी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एनी टू मेरिडियन इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ये हमने भी पढ़ा ही था पहले पैरेलल्स में भी, जो लैटिट्यूड था उसमें वैसे ही ये है कि जो इक्वेटर है, ठीक है, वहीं पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। जैसे अगर आप ये जो है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही होगा, यही हमारा इक्वेटर है, ओके। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू एनी टू मेरिडियंस डिक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, ये हमने उसमें ही पढ़ा था कि जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाएगा वैसे ही जो है डिस्टेंस डिक्रीज होती जाएगी। मेरिडियंस जो है वो कट करते हैं पैरेलल्स को एट राइट एंगल्स, कैसे, अब जैसे ये लैटिट्यूड्स हैं और ये हमारे मेरिडियंस हैं, तो ये जो कट कर रहे हैं ये कहाँ कर रहे हैं, 90 डिग्री में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो प्राइम मेरिडियन है उसको हम क्या कहेंगे, क्या डिनोट करेंगे उसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। इट डिवाइड्स द अर्थ, ये वही है जो डिवाइड करती है अर्थ को टू हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। द मेरिडियंस टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो ईस्टर्न, जैसे वो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ई से मार्क करेंगे और एन और डब्ल्यू से मार्क करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन जो है वो सेम लाइन पर ही क्या करती है, लाई करती है, और वो हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ओके। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, लोकेटिंग प्लेसेस, ओके। द पैरेलल ऑफ द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस, अब इसमें क्या है, आप यूँ ही समझ लीजिए, लोकेटिंग प्लेसेस, कैसे पता लगता है कि जो प्लेस है वो कहाँ लोकेट कर रही है, तो जैसे ही हम लोगों ने भी ड्रॉ किया था, तो अगर ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है और ये है लैटिट्यूड, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है यहीं पर ही हम प्लेस की लोकेटिंग मानेंगे। जैसे कि अगर चेन्नई को हम देखें, तो अगर चेन्नई का अगर हमें देखना है तो वो यहीं पर ही करेगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल है कि जो चेन्नई कहाँ पर लोकेट कर रहा है, 13 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, आपको होमवर्क ये है कि आपको ये न्यू टर्म्स लर्न करना है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको खुद से वर्क कंप्लीट करना है, और जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सब कुछ करें ये चीज़ लर्न करना है, ओके, थैंक यू।